हिंदी के सुविख्यात साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का जन्म 1 मई 1927 को वाराणसी जिले के गांव जीवनपुर में हुआ। अनेक पुस्तकों के संपादक और लेखक प्रोफेसर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के सिद्ध हस्त आलोचक माने जाते हैं। अगस्त 1947, इस दिन को याद करके आपको कैसा लगता है? उस दिन मैं अपने गांव में था। एक नया विद्यालय अमर शहीद विद्या मंदिर स्थापित किया था और वहीं आज़ादी के पहले दिन झंडा फहराने में शामिल हुआ था। उस समय मैं बीए पहले साल का विद्यार्थी था और मुझे याद है वो कविता कि बाहर हवा थी, धूप थी और मैंने कहा आज़ादी। मुझे ठीक याद है मैंने यही कहा था आज़ादी और खेतों की ओर चला गया था। इसलिए गांव में वो लहर नहीं पहुंची थी जो बाद में कुछ कविताओं में मैंने पढ़ा कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर। हमें न बंटवारे की कोई खबर थी, न आने वाले शरणार्थियों को देखने का मौका मिला। आज़ादी एक नई जिंदगी की शुरुआत थी और शायद इसलिए कि 16 अगस्त 1942 को उस जत्थे के साथ था मैं जिसने अपने थाना धानापुर पर झंडा फहराया था और 3 आदमी शहीद हुए थे। इसलिए हमारे लिए 15 अगस्त 1947 आज़ाद होने का मौका था और मैं खुश था। आपकी दृष्टि में आधुनिक भारतीय साहित्य की आधी शताब्दी कैसी रही? मेरी दृष्टि में भारतीय साहित्य के पिछले 50 साल, हिंदी साहित्य समूचे भारतीय साहित्य के निकट संपर्क में आया और बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि सभी 16-17 भाषाओं के साथ भारतीय साहित्य विकसित हुआ है। अकेले तन्हा नहीं विकसित हुआ है। और एक खुशी की बात यह है कि ये सारा साहित्य, बल्कि इसका सर्वोत्तम हिंदी अनुवाद में आज सुलभ है। आप हिंदी माध्यम से समूचे भारतीय साहित्य को, श्रेष्ठ उपन्यासों को, श्रेष्ठ कहानियों को, श्रेष्ठ कविताओं को, श्रेष्ठ नाटक को पढ़ सकते हैं। ये इन 50 वर्षों की ऐसी उपलब्धि जो आज़ादी के पहले सुलभ नहीं थी। प्रोफेसर नामवर सिंह के साहित्य जीवन की शुरुआत कविता की अभिव्यक्ति से हुई और धीरे धीरे काव्य रचना, गद्य संरचना में बदलती गई। साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित प्रोफेसर सिंह की पुस्तकों के अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं।